जय विज्ञान स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 एंड इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ईयर. ओके, सो चैप्टर नंबर 9 इज प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच. ओके, प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच. थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि स्क्रैच क्या है. स्क्रैच इज वन प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट इसमें कुछ कोड हमें टाइप नहीं करने होते हैं. देयर आर प्री डिफाइंड कोड जिसके यूज से हम प्रोग्रामिंग करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट. So, important words are scratch, appearance, sprite, blocks, functions, drawing shape, variable, operators, arithmetic operators, relational, logical, creating, project and calculating. These are the important words for this chapter. Now you will write down all these words in your computer notebook. Okay, now we will start chapter. By this chapter we are going to learn about changing the appearance of sprite, drawing shapes, taking decisions, repeating a task, storing values, using operators. Okay. In the previous class, you have learned how to change background, directions, etc. You have also learned various blocks like motion blocks, sensing blocks, etc. in this chapter. Let's learn more about Scratch. I think aap logo ne ye chapter 4th स्टैंडर्ड में नहीं किया है. ओके, ये न्यू है आप लोगों के लिए, तो हम अभी थोड़ा थियरी लर्न करेंगे. ओके, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट. लुक्स ब्लॉक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल अ स्प्राइट अपीयरेंस. दिस ब्लॉक्स आर कलर कोडेड पर्पल. द लुक्स ब्लॉक मेनू हैज इंस्ट्रक्शंस blocks for setting the color, size and visibility of the sprite. Looks block jo hai wo kya karta hai? It is used to control sprite's appearance. Iska color kya hota hai? Purple color hota hai. Looks block ke color kya hote hai? Purple. The look block menu has instructions block for setting the color, size and visibility of the sprite. इसमें क्या होता है instruction? इसको क्या instruction दिया गया है? Looks command को, looks block को instruction दिया गया है sprites का size और उसका color change करने का. Okay? Now next is the table below show the looks block and their functions. Now say hello for 2 seconds. एक ऐसा ब्लॉक है से हेलो फॉर 2 seconds. डिस्प्ले स्प्राइट स्पीच बबल फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है? इसमें हम कुछ भी से में हम कुछ भी अंदर टाइप करेंगे फॉर 2 seconds. तो यहाँ पे हम टाइम और चेंज कर सकते हैं, हमें जितने के लिए रखना है उतने टाइम पे, तो उतने के टाइम के लिए वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा. थिंक फॉर 2 seconds. Display sprite's thought bubble for specified amount of time. Think for 2 seconds block जो है वो क्या होता है? वो bubbles को thought वाला moment दिखाता है कुछ time के लिए. Change color effect by 25.
चेंज द विजुअल इफेक्ट ऑफ द स्प्राइट बाय स्पेसिफाइड नंबर। इसमें क्या होता है, स्प्राइट का विजुअल इफेक्ट चेंज होता है बाय आप जितने भी नंबर देते हो उतने नंबर से। हाइड ब्लॉक मेक्स स्प्राइट डिसअपीयर फ्रॉम द स्टेज। स्टेज पर से अगर इसको डिसअपीयर कर देना हो ये केट को, तो उसके लिए क्या होता है, हाइड कमांड। कमांड नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम ब्लॉक कहेंगे। नाउ शो ब्लॉक। शो ब्लॉक मेक्स स्प्राइट अपीयर ऑन द स्टेज। शो ब्लॉक से क्या होता है, स्प्राइट जो है वो स्टेज पे वापस आ जाता है। नाउ ड्रॉइंग शेप। पेन ब्लॉक इन स्क्रैच अलाउज अ स्प्राइट टू ड्रॉ शेप्स एंड प्लॉट कलर्ड पिक्सल ऑन द स्क्रीन। दिस ब्लॉक्स आर कलर कोडेड एज डार्क ग्रीन एंड आर यूज टू ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ द स्प्राइट टू ड्रॉ अ स्क्वायर। द स्क्रिप्ट विल बी एज फॉलोज। सी पेन ब्लॉक्स जो है वो क्या करता है, वो स्क्रेच में अलाउ करता है स्प्राइट टू ड्रॉ शेप्स एंड प्लॉट कलर्ड पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। वो शेप्स ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। दिस ब्लॉक्स आर कलर कोडेड एज अ डार्क ग्रीन। ये ब्लॉक का कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन। देखो स्क्रेच में है, सारे कोडेड है, ब्लॉक्स जो है वो प्री डिफाइंड है और उस ब्लॉक से रिलेटेड सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है। तो जो पेन ब्लॉक है उसका कलर क्या है, यहाँ पे डार्क ग्रीन। इससे पहले हमने जो लुक ब्लॉक देखा था उसका कलर क्या था, पर्पल। ओके तो यहाँ पे इसका जो है क्या होता है, आर यूज टू ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ द स्प्राइट टू ड्रॉ अ स्क्वायर। वहां पे क्या होता है, उसके फुटप्रिंट होते हैं जो स्प्राइट को स्क्वायर ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। नाउ सी पेन अप ब्लॉक्स पेन अप फंक्शंस। पुट अप स्प्राइट्स पेन अप सो दैट इट विल नॉट ड्रॉ एज इट मूव्स ऑन द स्क्रीन। पेन अप से क्या होता है, पेन अप से पुट स्प्राइट्स पेन अप सो दैट इट विल नॉट ड्रॉ एज इट मूव्स ऑन द स्क्रीन। आपको अगर लोगो याद हो तो लोगो में पेन अप कमांड और पेन डाउन कमांड आते थे, जिससे क्या होता था, टर्टल मूव करता था बट वो कुछ भी ड्रॉइंग नहीं कर पाता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे पेन अप और पेन डाउन ब्लॉक होते हैं। पेन अप से क्या होता है, पेन अप हो जाती है ये, तो उसके बाद स्प्राइट अगर कितना भी मूव करता है तो कुछ भी उसके वहां पे ड्रॉ होता नहीं है, सिर्फ वो स्क्रीन पे मूव करता दिखाई देता है बट कुछ भी ड्रॉइंग नहीं होता है। पेन डाउन। पेन डाउन पुट्स स्प्राइट्स पेन डाउन सो दैट इट विल ड्रॉ एज इट मूव्स ऑन द स्क्रीन। पेन डाउन से क्या होता है, पेन डाउन से पेन वापस यानी कि स्प्राइट वापस से नीचे पेन कर देता है ताकि आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो तो वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे ही आप स्प्राइट को मूव करवाओगे तो वहां पे ड्रॉइंग होगा और आपको दिखेगा। नाउ सेट पेन कलर टू। इससे क्या होगा, आप पेन का कलर चेंज कर सकते हो। चेंजेस पेन कलर बेस्ड ऑन योर चॉइस फ्रॉम कलर पिकर। यहाँ पे आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो पेन के अंदर। चेंज पेन शेड बाय 10। कीप द पेन कलर बाय बट लाइटन और डार्कन द शेड ऑफ दैट कलर बाय द वैल्यू मेंशन। फॉर लाइट शेड यूज नेगेटिव वैल्यूज और डार्क शेड यूज पॉजिटिव वैल्यूज। चेंज द पेन शेड से क्या होता है, कलर जो है उसको आप लाइट डार्क कर सकते हो। नेगेटिव में नंबर दोगे तो कलर लाइट होगा, पॉजिटिव में नंबर दोगे तो कलर डार्क होगा। ओके नाउ स्टैम्प। स्टैम्प डुप्लीकेट द स्प्राइट्स इमेज ऑन टू स्टेज। स्टैम्प क्या करता है, आपने जो कुछ भी स्प्राइट दिए हैं उसकी डुप्लीकेट इमेज बना देता है। ओके तो ये है हमारा स्प्राइट। नाउ टेकिंग डिसीजन। इफ देन टेकिंग डिसीजन, रिपीट टास्क, स्टोरिंग डेटा, ओके टेकिंग डिसीजन, इफ देन एल्स इज अ कंट्रोल ब्लॉक विच चेक्स द गिवन कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू
the chord inside the first C space will activate and then the script will continue. If the given condition is false, the code inside the second C shape will active. See, if then else क्या होता है, हम condition देनी है. अगर condition true है तो आगे बढ़ेगा, अगर condition false है तो फिर वो next level में चला जाएगा. Now repeating a task. Forever is a control block which runs the script continuously until stopped. The script inside this block will be executed in a loop and will never end until the stop button is clicked. Repeat a task. कोई task हमें repeat करना है, then we will use forever block. Forever block से क्या हो जाएगा? जो कुछ भी आप इसमें दोगे, वो continuously loop में continue चालू रहेगा. उसको बंद करने के लिए आपको कंपलसरी स्टॉप कमांड का यूज करना ही पड़ेगा. स्टॉप कमांड के यूज से ही आप उसको फिर स्टॉप कर सकोगे. नाउ स्टोरिंग वैल्यू. वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? वेरिएबल ब्लॉक्स आर यूज्ड टू होल्ड वैल्यूज एंड स्ट्रिंग्स. कौन सा ब्लॉक्स यूज होता है? वेरिएबल ब्लॉक्स. दीज ब्लॉक्स आर कलर कोडेड एज ऑरेंज. इसका कौन सा कलर होता है वेरिएबल ब्लॉक्स का? ऑरेंज. And red for list. Orange for variables and red for list. To create variables, follow these steps. In the data block, click on a make a variable block. Type any suitable name like age for the variable in the variable name text box. Select a button specifying whether is a variable is for all sprites or for the sprites only. Okay, यहाँ पे हम एक ऐसा बना रहे हैं डायलॉग बॉक्स जिसमें हमने लिखा है एज और फॉर ऑल स्प्राइट्स और फॉर द स्प्राइट्स ओनली, उसको हम कर देंगे. ठीक. शॉर्टकट टू व्हेन अ वर्ड इज सेव्ड इन अ वेरिएबल इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग वेरिएबल. वो क्या कहते हैं उसे? शॉर्टकट टू व्हेन अ वर्ड सेव्ड इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल. Step 4. Age block will be added under the data block menu. Now you can drag the variable block to create a script using different block. Click on the green flag to run the script. फिर हमें क्या करना है? हमें एक बना देना है ऐसे set age to, ऐसे करके एक हम नया block बना सकते हैं. ओके, और उसको add करवा देंगे. तो इसके आगे का chapter अब हम next video में learn करेंगे. तब तक आप यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से रीड कर लोगे और न्यू इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है उसको आपकी कंप्यूटर की नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लोगे अच्छे हैंडराइटिंग से. बाय बाय स्टूडेंट्स.